Hey guys, welcome back to Traveling Jart. मेरा नाम है सागर और इस वक्त मैं हूँ कन्याकुमारी में. कन्याकुमारी पड़ता है तमिलनाडु में. यहाँ पे तमिल लैंग्वेज बोली जाती है और ये अपने इंडिया का बिल्कुल लास्ट पॉइंट है. जैसा कि आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो, पीछे ओशियन है, पूरा का पूरा समुंदर है. बट यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ पे तीनों ओशियन इकट्ठे मिलते हैं, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशियन. आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो, अगर कैमरा जस्टिफाई कर रहा है तो पूरे ओशियन में तीन कलर दिखेंगे आपको. और ये वेव्स देखो, यहाँ पे बोला जाता है कि अगर आप समुंदर के पास खड़े हो तो ये यंग ब्लड को अपनी तरफ खींचती है. सामने ये विवेकानंद मेमोरियल स्टैचू, जो कि अपनी इंडिया की एक बहुत अलग ही पहचान बनाता है श्रीलंका की साइड से अगर देखा जाए तो. और ये है मंदिर, आई डोंट नो द नेम, बट यहाँ पे फेरी लेके जा रहे हैं. ये फेरी सिर्फ और सिर्फ वहाँ जा रही है क्योंकि स्टैचू अभी कंस्ट्रक्शन में है. एंड इधर आप देख सकते हो यार, ये अपने इंडिया का बिल्कुल लास्ट पॉइंट है. आपको वहाँ पे तीन बंदे दिख रहे होंगे, मतलब वो अपने इंडिया का बिल्कुल लास्ट पॉइंट है. उससे आगे कुछ नहीं है, सिर्फ तैर के जा सकते हो और वो भी अलाउ नहीं है. तो मैं तो जाने वाला, अभी हम चलते हैं बिल्कुल एंड पॉइंट पे इंडिया के और वहाँ से दिखाते हैं आपको ये ब्यूटीफुल सा कन्याकुमारी. वहां से ये पूरा का पूरा रात को ना ऐसे चमकते जैसे मायामी में खड़ा हूँ मैं. बिल्कुल एंड पॉइंट पे इंडिया के और वहाँ पे खड़े होके यार फील करते हैं कि वाह यार, मतलब हम अपना सपना पूरा कर चुके हैं. मेरा सपना था यार कि दिल्ली से मैं कन्याकुमारी आऊँ और वो मेरा कंप्लीट हो चुका है यार. मतलब मैं क्या ही बोलूँ, इतनी गुड वाइब्स आ रही है ना यहाँ पे. बिल्कुल हमारा होटल है वो वाला, आप लोग देख सकते हो. और वहां से ना मैं सिर्फ विंडो पे बैठा था कि मैं कब नीचे उतर के जाऊं, कि कल रात को बहुत लेट हो गए थे तो सनसेट हो चुका था. बट अभी हमारे पास पूरा का पूरा दिन पड़ा है गाइस, तो फटाफट चलते हैं और एंजॉय करते हैं इस नेचुरल ब्यूटी को. हम बिल्कुल यार लास्ट में पहुंच गए अपने इंडिया से, दिल्ली से इतनी दूर बाय रोड. ये यहाँ पे मेरे सामने चर्च है और ये कुछ लोकल्स के घर हैं यहाँ पे, जो इस समुंदर को बहुत अच्छे से जानते हैं और इनका मेन काम सिर्फ और सिर्फ फिशिंग है. ये सुबह सुबह निकल जाते हैं रात को 3 बजे 4 बजे मतलब, और बढ़िया फिशिंग करके आते हैं. ये लोग नेवी की बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, मतलब अगर अपने इंडियन नेवी में किसी को जाना है तो सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस यहाँ के लोगों की होती है. ये सब मुझे डेविड ने बताया कल रात को, काफ़ी बातें करी, काफ़ी कुछ बताया, काफ़ी कुछ नहीं पता था हमें यहाँ के बारे में, बट ये सच्चाई है. इस समुंदर को बहुत नज़दीक से जानते हैं यार, ये छोटे से बड़े हो जाते हैं और ये इस समुंदर को ही देखते रहते हैं यार. मतलब इनके दादा से लेके सब कुछ, और 2006 में जो डिज़ास्टर आया था वो तो इन लोगों ने बहुत क्लोज से देखा था. सब कुछ बह गया था गाइस, सब कुछ बह गया था, तभी ये घर थोड़े नए रेनोवेट हैं. ये देखो, ये फिशिंग के सामान पड़े हैं यहाँ पे, आपको यहाँ पे और कुछ नहीं दिखेगा. इनका मेन इनकम सोर्स, इनका मेन काम, इनका मेन टाइम पास सिर्फ और सिर्फ समुंदर है. क्योंकि समुंदर में यार ऐसे नहीं जा सकते हो आप लोग, मतलब सी सिकनेस, वॉमिट ही वॉमिट होती है कंटिन्यू, ना आप कुछ खा सकते हो. और जब हम समुंदर में होते हैं ना तो अच्छे अच्छे डर जाते हैं यार कि ये हम कहाँ आ गए. यहाँ से तो बहुत अच्छा लग रहा है, बट जब हम इसके बीच में जाएंगे ना, यहाँ से 200-300 किलोमीटर अंदर, तो भाई रूह कांप जाएगी कि ये हम कहाँ आ गए. तो सब लोग सरवाइव नहीं कर सकते हैं ओशन के अंदर. तो फिलहाल हम आ चुके हैं, मैं रात को आया था यहाँ पे, रात को कुछ नहीं दिखा था, बट वेव्स की आवाज़ से डर बहुत लग रहा था मुझे. बट ये देखो यार, वाओ. अब मैं जितना आगे जाता जाऊंगा ना, ये शहर उतना ही सुंदर दिखता जाएगा, मतलब मज़ा आने वाला है आप लोगों को बहुत ज़्यादा. मैं रात को वहाँ तक गया था और भाई मैं इतना डर गया ना, मतलब क्या ही बोल, मेरे को डराने वाले ज़्यादा थे. वैसे तो मैं ना डरूँ, योजित तो आया ही नहीं और आनंद भी फिर भाग लिया कि नहीं नहीं मैं नहीं जा रहा, मैं यार अकेला तो मैं भी सेफ नहीं हूँ फिर जाना, तो इसलिए मैं रात को आगे तक नहीं जा पाया था. बट अब हम जाने वाले बिल्कुल एंड ऑफ द इंडिया, जहाँ से आगे सिर्फ और सिर्फ पानी है, उससे आगे कुछ भी नहीं है गाइस, कुछ भी नहीं.
रात को मैं यहाँ तक आया था जहाँ तक ये रोड था, अब आगे पत्थर स्टार्ट हो चुके हैं, देख सकते हो आप लोग। यहीं कहीं हम बैठे हुए थे रात को। अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हो तो गाइस बहुत संभल के चल, रात को तो मत ही आना, अवॉइड ही करना, क्योंकि रात को पानी आता है और ये जितने पत्थर है ना ये सब गीले मिलेंगे आपको, तो बारिश से तो ये हो नहीं सकते, वो पानी आएगा वेव से और आप लोगों का पैर स्लिप हो गया, कुछ भी हो गया मिस हैपनिंग, तो आप लोग सीधा जाओगे, क्योंकि ये देखो ना यार हम कितनी आगे आ चुके हैं। तो यहाँ पे समुंदर बहुत ज्यादा डीप है, मतलब बहुत ज्यादा, इनफ टू डाई इतना है, और रात को तो वेव्स फिर अपनी तरफ खींचती खींचती है। फाइनली 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 हम पहुंच चुके हैं यार जहां हमारी मंजिल थी, जिस चीज के लिए पिछले 11 दिन से अपने घर से निकले हुए हैं, वो ये है गाइस, द एंड ऑफ इंडिया। मेरे पास ना यार वर्ड्स नहीं है, फटाफट चलते हैं बिल्कुल लास्ट पत्थर पर और जाके खड़े होते हैं और अपने हाथों को फैलाते हैं और सुकून की सांस लेते हैं कि आई डिड इट, मैंने ये कर दिया। कोई रिकॉर्डिंग नहीं करी, सिर्फ और सिर्फ खड़े होके देखा इस समुंदर को कि ये क्या कहना चाह रहा है मुझे, एक समुंदर एक सागर को क्या बोलना चाह रहा है। यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी वेव्स आ रही है ना कि बंदा अगर बाई चांस गलती से गिर जाए ना नीचे तो वो सीधा है ना 2 किलोमीटर बाद जाके दिखेगा अंदर ही अंदर। बहुत तेज हवा चल रही है, बहुत ज्यादा तेज, देखो उड़ रहा हूँ मैं। अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि डिफरेंस कैसे पता चलता है यहाँ पे पानी का, ये देखो वहां से इतनी दूर से पता नहीं चल रहा था कि पानी का डिफरेंस, ये देखो 3-3 कलर दिखेंगे, इधर थोड़ा ग्रीनिश है और उधर जाओगे तो ब्लू, एंड आगे देखोगे ना ध्यान से तो आपको डार्क ब्लू दिखेगा उस साइड, वो देखो। तीनों कलर जस्टिफाई कर रही है यार मेरी आईज, पता नहीं कैमरा कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा, बट यार तीनों के तीनों कलर दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। रामेश्वर अपनी जाने का बहुत मन है, बट यार 3-4 घंटे ड्राइव हो रहे हैं यहाँ से, अच्छा हूँ तो मैं जा सकता हूँ बट मेरा कुछ और भी प्लान है दिल्ली जाने के बाद, सो मैं लेट तो वैसे ही हो चुका हूँ अपने ट्रिप के अकॉर्डिंग, बट कोई बात नहीं, उसके लिए हम कभी स्पेशल घर वालों को लेके फ्लाइट से आ जाएंगे, नो इशू। अभी 10 मिनट बैठते हैं, इंजॉय करते हैं, बातें करते हैं भाई के साथ, उसके बाद चलते हैं यार यहाँ से। 10 दिनों में सबसे बेस्ट ट्रिप और सबसे बेस्ट नज़ारा और सबसे बेस्ट मोमेंट अगर मेरे से कोई पूछेगा ना इस ट्रिप की तो मैं बोलूँगा कन्याकुमारी। मैं आपको मेन बात तो बताना ही भूल गया कि यहाँ से श्रीलंका किस साइड है, तो श्रीलंका है गाइस उस साइड, बिल्कुल उधर से श्रीलंका स्टार्ट हो जाता है, बट बहुत दूर है यार, बोलने में आसान है बट जितना आप ट्रैवल करके आए ना उतना ही टाइम और लग जाएगा अगर बाय रोड अगर रोड, बट छोड़ो इन बातों को, हमें क्या करना है, हमें तो अपने इंडिया के एंड पॉइंट पे आना था ड्राइव करके, वो भी अपनी वरना में जेड ब्लैक फ्रंट ब्लैक फुल्ली मॉडिफाइड। सो ब्लैक लवर्स सारे लाइक कर दो, शेयर कर दो वीडियो को। अभी अब उनको निकलना होगा यहाँ से क्योंकि अपना बहुत दूर का रास्ता है, देख सकते हो तुम 10 मिनट लग जाएगी होटल में पहुंचने में, और सुबह से ब्रेकफास्ट भी नहीं करा है, 4 बजने वाले हैं, तो फटाफट कुछ खाने चलते हैं, बढ़िया दिन बन गया यार आज मेरा। सो गाइस फाइनली वी आर एट द एंड ऑफ द इंडिया। गोइंग बैक यार, यहाँ का जो सनसेट है ना माशाल्लाह, हमने ना आज का सनसेट मिस कर दिया क्योंकि कल तो फ्रस्ट्रेशन हो रखी थी, ट्रैवल इतना करके आए थे मज़ा नहीं आया सनसेट देखने का, बस रिकॉर्ड करा, बट आज का हमने जो मिस करा ना, मैं 4:30 बजे तक जाग रहा था, वीडियो एडिट कर रहा था, मैंने सोचा कि 6 बजे सनसेट होएगा बट नहीं हो पाया यार, सो गया तुम्हारा भाई। बहुत दूर है यार, बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत आगे जाना पड़ता है, और यहाँ पे बंदे बैठे हुए मुझे घूर रहे हैं, ये क्या कर रहा है।
इंसान है ना, तो हमारी एक्सपेक्टेशन ना बढ़ती रहती है, ये कभी खत्म नहीं होती। बस एक चीज रह गई है जो मैंने नहीं करी है और जो मुझे करनी है यार, मुझे अपनी गाड़ी यहाँ पे लानी है यार। मतलब सच में यार, ये मेरा दिल बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, यू मान लो, मुझे अपनी गाड़ी यहाँ पे लाके एक शॉट लेना है बस, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं करना। ये पता नहीं पॉसिबल हो पाएगा या नहीं, मैं वहां तक तो ले आऊंगा जहाँ से ये पाथ स्टार्ट होता है, बट यहाँ पे लाने देंगे लोकल या नहीं लाने देंगे इस चीज की गारंटी नहीं है। बट यार ये सपना और पूरा हो गया ना, तो मैं अपने ट्रिप के जितना भी एक्सपेंस लगा है ना, मैं ये मानूंगा कि यहाँ पे सब पूरा हो गया। ये सब एक्सपेंस सिर्फ और सिर्फ इस क्लिप को शूट करने के लिए मैंने इन्वेस्ट करा था। काश, लेट्स सी, देखते हैं भाई, ट्राई तो पूरा करेगा तुम्हारा भाई। और अगर अपनी ब्लैक बीस्ट यहाँ आ गई ना, तो वो आग लगा देगी इंस्टा पे। व्यू के चक्कर में ना बुरा हाल हो जाता है भाई, सच में यार, सुबह से ब्रेकफास्ट तक नहीं करा है। तो अजित को तो काफी पीछे छोड़ा है, मैं फटाफट चलते हैं यार, बहुत ज्यादा गर्मी भी तो है यहाँ पे, तो कुछ सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह लेते हैं, जूस वगैरह, बहुत ज्यादा गर्मी है भाई यहाँ पे। ये जो स्टैचू और मंदिर है ना, इसकी जगह पहले दोनों तरफ पहाड़ थे, मतलब ये छोटे से आइलैंड थे, बट गवर्नमेंट ने इनको काट के और ये स्टैचू डिजाइन कर दिया यहाँ पे, जो कि बहुत यूनिक चीज़ है और बहुत अमेजिंग बनाता है अपने इंडिया के टूरिज्म को और कन्याकुमारी को। बट यार यहाँ पे मैं जाऊँगा नहीं, पता है क्यों? क्योंकि यार बहुत ज़्यादा भीड़ है। हम जब स्टार्टिंग में आए थे ना, तो हम फ्रंट से ही आए थे और हम भीड़ देख के डर गए कि पहले वहाँ चलेंगे, बट अभी देखो भीड़ देखो, तुम ये देखो यार भीड़ देखो, ये देखो गाइस कितनी पब्लिक खड़ी है यार यहाँ पे, बहुत ज़्यादा लोग हैं, बहुत ज़्यादा, कैसे ही हो पाए। मर जाएंगे हम गर्मी में। ये फेरी हमें लेके जाती है उस आइलैंड तक और यहीं ड्रॉप करती है वापस। ये स्पेशल विवेकानंद मेमोरियल की है ये फेरीज, इन पे लिखा भी हुआ है और स्टिकर भी है यहाँ पे। और यहाँ पे एक भैया थे फोटोग्राफर, तो मैंने उनसे दो दिन फोटो खिंचवाए बढ़िया बढ़िया, उनका मैं सेटअप दिखाता हूँ आप लोगों को। बाइक पे ही भाई इतना खतरनाक सेटअप कर रखा है ना, लैपटॉप वगैरह सब, ये बाइक है और इस बॉक्स के अंदर लैपटॉप एंड प्रिंटर वगैरह सब कुछ है, तो मतलब बहुत यूनिक चीज लगी यार। फाइनली तुम्हारे भाई ने तमिलनाडु में पंजाबी ढाबा ढूंढ ही दिया है, और ये रही हमारी पंजाबी थाली। सो गाइज, आज का हमारा लंच हो चुका है और अभी हमें मेन मार्केट में कन्याकुमारी की, तो अभी अपन को निकलना है यहाँ से सीधा गोवा के लिए, जो कि है 30 घंटे की ड्राइव। मेरे को ये नहीं पता कितने किलोमीटर है, बट 30 घंटे लगेंगे यार गोवा पहुँचने में, और हम नॉन स्टॉप जाने वाले हैं। सो नेक्स्ट व्लॉग के लिए बने रहिएगा, जब तक के लिए लाइक कर दो वीडियो को, शेयर कर दो और कमेंट कर दो कि कैसी लगी ये वीडियो तुम्हें, कैसा लगा तुम्हारा भाई, कैसे लगा तुम्हें एंड ऑफ द इंडिया। चलते हैं फटाफट, आज भी हम अपने होटल में, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग।